हे गाइस, गुड आफ्टरनून। टाइम हुआ है 1:30। आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। हम लोग ने जानबूझ के थोड़ा लेट किया। अगर मॉर्निंग में हम लोग होटल से बाहर निकलते तो थोड़े कुछ काम थे वो नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि दोपहर को बाहर निकलेंगे। जो जोधपुर फोर्ट है वो कुछ 5 बजे तक खुला होता है, तो हमें फोर्ट देखना है, कुछ मार्केट में शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेना है। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले पेट पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने अभी अपना काम ख़त्म किया है और रूम बहुत प्यारी है, आराम से सब सामान भी रह जाता है और यहाँ पर मुझे वर्क स्पेस मिल जाती है। क्या ऑर्डर किया? बटर चिकन और एग करी। मतलब वेज नहीं खाना है? बस हो गया अभी। वेज नहीं खाना है? बहुत खा लिया अभी, चिकन मटन। 4 दिन बंदे लोग ने वेज क्या खा लिया, वेज का नाम नहीं निकाल रहे, सिर्फ चिकन चाहिए, अंडा चाहिए। परेश पहली बार हमारे साथ राइड कर रहा है। जब भी खाना आता है ना, इसका एक ही होता है, इसका व्लॉग कब खत्म हो जाए। जो वो साइड का कॉर्नर का एरिया है वहाँ पे अपनी बाइक्स लगी है। सिटी से फोर्ट तक आने के लिए अगर आप ऑटो कर रहे हो तो 200 रुपये लगते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा फोर्ट घूमेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने पड़ेगा कि यहाँ पे कैमरा का चार्ज है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पता चली कि ये यहाँ पे गोरिल्ला पॉड भी नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कोई भी सेल्फी स्टिक, कोई भी ट्राईपॉड, कोई भी गोरिल्ला पॉड नहीं चलेगा। व्लॉगिंग करनी है, हाथ में कैमरा पकड़ो और व्लॉगिंग करो। तो ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस आते ही एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत प्यारी बनाई है। और यहाँ पे मैंने अभी बप्पा को देखा, वो रहे अपने गणपति बप्पा। ये है पूरा फोर्ट, ये ऐसा दिखता है। अभी हम कहाँ पे परेश? ये साइड पे है ना, ये साइड से आए, ये मेन एंट्रेंस है। हम लोग भाग रहे एक जगह पे, एक यहाँ के भाई साहब है जो डेली यहाँ पे आके ईगल को खाना खिलाते हैं और वो मुझे देखना है। इतने सारे ईगल बैठे हैं वहाँ पे, उनका आवाज सुनो। इसे कुछ तो बोलते हैं ना, राजस्थानी गुड़िया टाइप कुछ, कठपुतली, कठपुतली का खेल। हवा यहाँ पे बहुत तेज़ चल रही है और आज कैमरा पे माइक सेटअप भी नहीं है, आपको आवाज़ थोड़ा 19 भी आ सकता है। आपके भाई का भी आवाज़ थोड़ा सर्दी से ख़राब है। फोर्ट इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितना एक्सप्लोर करूँगा, कितनी चीज़ें देख पाऊँगा। एक चीज़ है जिसे हमें हाईलाइट करना चाहिए कि फोर्ट को बहुत प्यार से रखा है, बहुत मेनटेन रखा है, मतलब ढूंढ के भी आपको फोर्ट पर कचरा नहीं मिलता। ये चीज़ अपने महाराष्ट्र में भी करनी चाहिए। विनीत, जितने भी राजाओं के हथियार है उन्हें ऐसे ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अच्छा किया है कि यहाँ पे बैरिकेड्स डालते हैं, कोई हार्म नहीं करेगा वहाँ पे। आजकल हाँ, आजकल जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि इनके ऊपर बैठ के फोटोज निकाले जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। इस चीज़ के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को थम्स अप। ये अपना इंडिया। दौलत खाना, यहाँ पालकी है ना।
चोगा शाही वस्त्र, जोधपुर में जो पहला ट्रेन आया 19th सेंचुरी राजस्थान। इतना बड़ा लॉक आज तक आपके भाई ने देखा नहीं है, ये पेडलॉक विद की ऐसा होगा। ये बोट में इतनी सारी चीजें थी, चीजें देख के शब्द नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ अंदर बात नहीं। हमें अभी जाना है क्लॉक टावर के यहाँ पे, ये फोर्ट के पीछे का रोड है जो क्लॉक टावर के यहाँ पे जाता है। वो क्या कहा उन्होंने, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। परेश भाई का कहना है कि अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचे, परेश भाई चक्कर देख अभी हम लोग कल रात वाले मार्केट में ही आए, जो मार्केट कल बंद था। परेश भाई शॉपिंग करेंगे कुछ? जरूर। अभी ठीक है मैम, कुछ नहीं। चल के आए फोर्ट से भाई, चल के आए 15 मिनट चल के आए। सबका पानी पूरी खाने का दिल कर रहा था, लेकिन पानी पूरी का स्टॉल था शौचालय के बाहर। पानी पूरी कैंसिल। वोस्टोन बोला अंकल ने गुफा बनाई है दुकान में। 15-20 मिनट से यही चालू है कि अच्छा कुछ सामान ले। देख रहे अलग अलग चीजें यहाँ पे, ऊपर और एक चाहिए, उसमें एक चाहिए, दो चाहिए तो ये लो ये दो मस्त। शॉपिंग की शुरुआत करते हैं गणेश जी से। ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई, इसके साथ ये वाला बप्पा। ये छोटे दो चौकीदार, ये घनघोर घनघोर। हाँ जी, देखो टाइम हुआ है 12:45। ये हमारी कंडीशन, परेश भाई थक के सो गए। मैं और विनीत भाई लास्ट कुछ 40-45 मिनट से बातें कर रहे थे। आज का दिन हमारा बहुत औसम था, जो मेहराम फोर्ट हमने देखा बहुत प्यारा फोर्ट था। मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखी है, ऐसी चीज़ों को हम लोग औसम और ब्यूटीफुल बोल के उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते, मतलब उनकी वैल्यू कम नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें बहुत थी कि जहाँ पे लोगों को देखने भी मिल रहा है, लेकिन उन लोगों ने उसे सेफ्टी भी दी है। हाँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि जो तोफ खाना था उनका, जो कैनन रखे थे बॉर्डर्स, जो एजेस है वो अभी भी मतलब सेफ किए थे कि पब्लिक वहाँ पे ना जाए, हर जगह गार्ड और पब्लिक वहाँ पे ना जाए। और सबसे मेन चीज़, गार्ड इतने थे उस फोर्ट पे कि अगर आपको फोटोग्राफ भी निकालने हैं तो फोटोग्राफ निकालने दे रहे थे, लेकिन सेल्फी अलाव नहीं था, सेल्फी स्टिक भी नहीं लेके जाने देते। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सेल्फी स्टिक, गोरिल्ला पॉड वो भी अलाव, वो तो मैंने आपको बोल दिया कि गोरिल्ला पॉड भी अलाव नहीं था। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि ये जो आज का जो दिन था, इसमें जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैंने जानबूझ के फोर्ट में डिटेल वाली चीज़ें शेयर नहीं की कि ये कौन से सेंचुरी में बनाया था, क्या था, कौन से राजा थे। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो, एक व्लॉग में ये सारी डिटेल चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे 1-1.5 घंटे का व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आओ, रूबरू हो, सामने सामने ये फोर्ट देखो। जब सामने देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो चीज़ें आप जानना चाहते हो। जब आप सामने से ये फोर्ट देखोगे तो आपको रियली पता चलेगा कि ये फोर्ट कितना ब्यूटीफुल है। और सच बोलता हूँ, कैमरा की लेंस इसे जस्टिफाई नहीं करेगी। जो सबसे बड़ी लेंस है भगवान ने दी हुई, आंखों की लेंस है, तो आंखों की लेंस से आप ये फोर्ट जरूर देखना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही रखते, कल हमें यहाँ से निकलना है वडोदरा के लिए। वडोदरा फाइनल हुआ है अहमदाबाद, वडोदरा ना, वडोदरा में थोड़ा 1-1.5 घंटे से 1-1.5 घंटे से यही चालू था कि क्या प्लान फाइनल करें, और अहमदाबाद चलो है, वडोदरा चलो है, मुझे वो खाना है ना। भाई का दिन है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। वडोदरा में अपनी गैंग भी आ रही है, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी लेट हुआ है बिकॉज हमें कल 5 बजे उठ के सब तैयारी करके, सब पैकिंग भी मैंने अभी तक कुछ नहीं की है।
ये वाली पैकिंग नहीं दिखा सकता, वहाँ पे देखो सब सामान पड़ा है, पैकिंग है। हाँ वो ही नहीं, ये मेरे यहाँ पे कुछ पैक नहीं है, मेरे यहाँ पे कुछ पैक नहीं है, ऐसा ही सब रख दिया है। तो पैकिंग करनी है सुबह उठ के, 6 बजे या 6:30 बजे निकलने का प्लान है। मुझे बताया कि 7 बजे तक हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। 586 या 580 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है कवर करने के लिए लग सकते हैं। गूगल कितना बता रहा है? 14 घंटा। टाइम परफेक्ट याद रखता है, मतलब कितने बैठना है रे मुझे पीछे उठना। हाँ तो 14 घंटा इसे बाइक पे बैठना है, इसलिए इसे घंटे बराबर याद रहते कितने घंटे लगने वाले, लेकिन ये पता नहीं रहेगा किलोमीटर कितना है। किलोमीटर का हिसाब तुम रखो ना, जाने वाले तुम हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। अगर इतना कर रहे हो तो भूल गया, अरे बेल आइकन यार, बेल आइकन जरूरी है। रुकना कुछ नहीं, बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस व्लॉग में मैंने माइक यूज़ नहीं किया, अगर आवाज़ में कुछ 19-20 लगता है तो एडजस्ट कर लो माइक का, मुंबई में जाके कुछ जुगाड़ करना है। मेरे हिसाब से माइक का पोर्ट ख़राब हुआ है मेरा। नया माइक नहीं, माइक का पोर्ट ख़राब कर, नया माइक